नूह जिले में ताबड़ू रेवाड़ी रोड पर स्थित बिजली निगम कार्यालय परिसर में ऊर्जा वाटिका उद्घाटन के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जापानी तकनीक मियावाकी अपनाकर से करीब 1000 से अधिक पौधे रोपे गए और इस कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए थे, लेकिन उनके स्थान पर मंत्री संजय सिंह की धर्मपत्नी वंदना ने ताबड़ू में ऊर्जा वाटिका का उद्घाटन किया, जिन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबको पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम व कृषि विभाग के सहयोग से मियावाकी तकनीक के सहयोग से तहत लगभग 1000 पौधे रोपे गए हैं। आप देख रहे हैं ताबड़ू से साहित्य मेवाती की रिपोर्ट। कार्यक्रम के दौरान तो यही संदेश देना चाहूँगी, पहले तो आपने बोला है कि मंत्री जी नहीं पहुँच पाए, तो मंत्री जी का तो ये एक्चुअली बहुत छोटे टाइम में ये टाइम लिया गया था, तो उससे पहले मंत्री जी चंडीगढ़ निकल चुके थे, तो वो वहाँ ऑफिस के कार्यभार में कुछ काम है जिसमें वो व्यस्त हैं, और जो अब उनकी गैरहाजिरी में मतलब मैं यहाँ पर आई हूँ। और मैं इसमें यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो कार्यक्रम आज हमने ये पौधों का किया है, 1000 प्लांट यहाँ पे लगाए हैं, तो इनकी पहले तो केयर करना यही सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। मैं भी इस चीज़ पे ध्यान दूँगी और इन लोगों को इस चीज़ के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए भी या प्लांट की और भी रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं मंत्री जी की तरफ से यही कहूँगी कि कभी भी ये इस चीज़ के लिए कभी भी कुछ कहेंगे तो वो ज़रूरत उनकी पूरी की जाएगी। दूसरा एनवायरनमेंट के ऊपर, ये तो हमारे देश के लिए ही कहूँगी कि पौधे लगाना हमारे देश के लिए एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये जो प्रोग्राम शुरू होते हैं, अभी हमारे SDM साहब ने बताया कि उन्होंने लास्ट उसमें 1,00,000 प्लांट लगाए थे, जो कि उनका 90% प्लांट उनका ग्रोथ किया हुआ है और काफ़ी बड़ा जंगल बन के तैयार हो गया। यहाँ भी 1000 पौधों का लगने का मतलब एक पूरा जंगल तैयार होता है। अब हमारी कोशिश यही रहेगी ताकि इन पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके और एक बहुत बढ़िया हरियाली यहाँ पे हो, और जिससे हमारा ये क्षेत्र है स्वच्छ रहे, यही आपके लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा।